मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 62 होगा। 62 गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे एक तकरीबन मेरे ख्याल 6-7 पेज का उत्तर भेजा था। अब ये 6-7 पेज का उत्तर कैसे आता था, क्योंकि जो बीच में गैप आता था तो उसमें मेरी भाव विवलता, मेरी व्याकुलता, मेरा इंतजार, प्रतीक्षा, मेरी भावना और उनको लिखते रहना, मतलब ये बड़ी विचित्र बात है कि कुछ समय के बाद में, जैसे पहले था ना कि 5 सवाल उन्होंने शुरुआत जहां से हुई थी, तो उसके बाद ऐसा एक रिश्ता बन गया उनके साथ में और उन्होंने भी शायद हमें स्वीकार कर लिया, हम जैसे भी थे। तो जैसे आपका कोई बड़ा बूढ़ा जो मतलब बहुत प्रेम करता है, बहुत कंसर्न्ड आपके बारे में, इस तरह से हो गया था, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने हमें गाइड करना शुरू कर दिया था। शायद हमारी बेवकूफियों को देख के, हमारी सरलता को देख के, हमारी मूर्खताओं को देख के, या जो भी, वो बेहतर जानते हैं। तो वो जो मैं जिक्र कर रहा था पिछले एपिसोड में कि सुबह उठने के बारे में कि 4 से 6 के बीच में उठना है और तुम लोग तो 6 बजे निकलते हो, ये ठीक नहीं है, और इतना परेशान मत हुआ कर, तो ये रेफरेंस में था। क्योंकि मैं कि अब जवाब नहीं आ रहा है, और मतलब उसको आप मेरी भाव विवलता कह सकते हैं, मेरा बचपना कह सकते हैं। अब उस मालिक के सामने तो हम बच्चे ही हैं, कितने भी बड़े हो जाएं। जैसे माँ बाप के बीच में और बच्चे के बीच में जो फासला होता है उम्र का, बच्चा बूढ़ा भी हो जाए, यानी वो 50-60 का हो जाए, तो माँ बाप के तो बच्चे ही रहता है, क्योंकि उनके बीच का जो गैप है उम्र का वो उतना ही रहता है। जब वो पैदा हुआ था, उनकी गोद में था, 1-2 साल का था, तो माँ 25 साल की थी। तो माँ जब 75 की हो जाएगी तो आप देखिए, वो 25 साल का जो गैप था उनका, बेटा 50 का हो गया, 75 की हो गई, तो वो तो गैप रहेगा और उनको वैसे ही लगता है। खैर, तो हमको भी ऐसे ही बच्चों की तरह हम उनके पीछे पड़े हुए थे। तो उसी में आगे उन्होंने लिखा कि तू मेरा कहना मान रहा है, मैं प्रसन्न हूं। ये जब वो लिखते थे तो मुझे बहुत शांति मिलती थी। तो मेरा कहना मानकर सारे कार्य कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है, ऐसा उन्होंने लिखा। अब उसमें जो कार्य उन्होंने कहे थे, जैसे किचन में कहा था कि चीजें बाहर मत रख, तो हमको लगा कि इनको अंदर कैसे रखें, या तो हम वहां पे कबर्ड्स वगैरह बनवाएं, और यहां जैसे मैंने कहा दिक्कत है, ये खेतों में जगह है, तो जल्दी के कोई आदमी आपको कारपेंटर वगैरह मिलता नहीं है, वो समराला से आएंगे या दोराहा से आएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब उन्होंने आदेश किया है तो जल्दी क्या हो सकता है, तो कबर्ड ले आते हैं, कोई अलमारी ले आते हैं समराला से। अच्छा, वो लिखते हैं उसमें, तो हमने तो योजना बनाई थी कि लकड़ी, डॉक्टर जी ने कहा लकड़ी का लेके आते हैं, तो मैंने ठीक है, तो उसमें लिख के आया कि जो तुम लोग अलमारी खरीदने जा रहे हो लकड़ी की, तो रूपा को साथ ले जाना, उसकी पसंद की अलमारी लेना, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। अब आप देखिए, इतनी बड़ी दैवी शक्ति, ईश्वर का रूप। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता रहता हूं, उनके लिए मैटर नहीं करता है, वो तो भावना के भूखे हैं, वो प्रसन्न हो गए अगर आपके ऊपर, दया आ गई अगर आपके ऊपर, तो आप झोपड़ी में तो झोपड़ी में बैठेंगे, आप साथ रहेंगे। क्योंकि एक सीरियल में मैंने देखा था, हालांकि वो रेफरेंसेस तो लेते हैं ग्रंथों से, कि
भोलेनाथ शंकर जी कहते हैं कि मैं भक्तों में भेद नहीं करता, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं। भक्त है मेरा, जहां रखता है जैसे रखेगा उसके साथ रहूंगा, वो झोपड़ी में रखे सूखी रोटी खिलाए तो खाऊंगा। तो कहने लगे मैं वहां उपस्थित रहूंगा। अब जब वो ये कह देते थे कि वैसे तुम्हें हमेशा ये रहता ही था कि प्रभु जी उपस्थित होंगे, या वो देख तो रहे हैं, तो मैं वहां उपस्थित, तो हम लोग गए खरीदने के लिए। एक बड़ी दुकान है जहां से मैं अक्सर फर्नीचर लेता हूं, तो वहां हमने देखा तो हमको कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर हम लोग लुधियाना गए। लुधियाना में एक और दुकान है सबराला चौक के पास, तो उनके यहां से हमें जो डॉक्टर रजनी ने पसंद किया, क्योंकि मुझे था कि वो तो वही उपस्थित होंगे, तो कहेंगे फिर ये अपनी चला रहा है, तो जब भी फाइनल करना होता तो मैं कहता था भाई डॉक्टर साहब आप बताइए, तो जो वो कह देती थी कि ये वाला ठीक है, तो मैं कहता ठीक है भाई ये लेंगे हम, तो हम ले आए। अब ये जब उनका निर्देश वहां से आ गया तो हमने वैसा किया। दूसरा आगे लिखा उन्होंने कि वो पहले भी जिक्र मैं कर चुका हूं कि रसोई में जितना भी सामान है वो अंदर रखना, बाहर मत रखना। फिर लिखा कि तुम्हारे घर के वो फर्श के बारे में कह रहे थे, जो धरती है तल है वो उल्टी तरफ है बेटा, जब लक्ष्मी जी आ जाएं तो उसे ठीक करवा लेना। अब देखिए वहां वो धन पैसा ऐसी बात नहीं करते थे, लक्ष्मी मां आ जाएं या लक्ष्मी जी आ जाएं तो उसे ठीक करवा लेना, मतलब जब तुम्हारे पैसे आ जाएंगे तब करवा लेना। और उसके आगे लिखा कि बेटा घर की लक्ष्मी का सम्मान किया करो, तो घर में लक्ष्मी मां रुकती हैं। अभी हम सब के लिए है, घरों में बहुत टेंशन्स रहती हैं, पति पत्नी में टेंशन रहती है, आजकल प्रेशर्स इतने हैं, चैलेंजेस चुनौतियां इतनी हैं। पत्नी आपकी जो गृहिणी है, आपकी पत्नी जो है वो घर की लक्ष्मी, ये तमाम पुराने लोग कहते हैं और नए लोग तो अब अफलातून हो गए हैं, लेकिन पुराने बुजुर्ग सब इस बात को मानते भी थे। तो उसका अगर आप सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो आपके घर में लक्ष्मी जी ठहरेंगी, अन्यथा नहीं ठहरेंगी। अब ये वहां से कंफर्म हो रहा है कि बेटा घर की लक्ष्मी का सम्मान किया करो, तभी लक्ष्मी जी ठहरेंगी। मैं पत्नी के साथ में कई बार हमारे मतभेद सब जगह होते हैं, लेकिन क्योंकि वो दूर रहती थी आमतौर पे अपनी मां के साथ में, मेरी सास के साथ में, बच्चों को वहां लेके उनको वहां ज्यादा सुविधा मिलती थी, बड़ा घर था, बड़े नौकर चाकर, जो मैं वहां अगर देखूं तो मेरा घर कंपैरेटिवली छोटा था, तो शायद उनको लगा क्योंकि बचपन से वहां रही तो उनको बड़े घर की और नौकरों चाकरों की आदत थी, हमारे यहां उतने नौकर चाकर नहीं थे, और मेरा एक एटीट्यूड जाटों वाला था, तो इसलिए भी शायद उनको दिक्कत आती हो मेरे साथ में। खैर हमारा हिसाब किताब था तो था, है तो है। तो उन्होंने जब ये मुझे आगाह किया, और फिर यहां जो रूपा के बारे में वो बार बार ये कहते थे कि तू इसको डांटा मत कर या आवेश में मत आकर, उत्तेजित मत हुआ कर, तेरे कर्म ना खराब हो जाए, तो मतलब एक तरह से ईश्वर के दरबार से जो आदेश थे, निर्देश थे, और एक ईश्वरी दैवी शक्ति, मतलब उनको मेरा कितना कंसर्न होगा और मैं कितना बड़ा बेवकूफ होऊंगा कि कदम कदम पे वो मुझे गाइड कर रहे थे। रूपा पर उत्तेजित मत हुआ कर, आवेश में मत आया कर, सुबह वो प्रश्न रूपा के माध्यम से मैंने ही पूछा था। उसके बाद तो खैर मैं डरा ही रहता हूं। कुछ ऐसे बैठे हुए कुछ उसने मुझसे पूछा, हम लोग पता नहीं सुबह बैठे थे तो ज्यादातर बातें तो प्रभु जी की करते थे हम लोग, तो उसने कोई सवाल पूछा मुझे, कोई सवाल था, मेरी वाइफ की कोई एग्जीबिशन थी वहां ताज लैंड्स एंड होटल में या ताज में,
तो उस एग्जीबिशन के बारे में हम लोग कुछ बात चल पड़ी। उनको कुछ मुझे आया था, पोस्ट आया था व्हाट्सएप पे शायद, तो उसके बारे में मुझे कोई सवाल पूछा तो मैं थोड़ा सा उन पे बिगड़ गया। तो वहां लिख के आया कि उस पे तू आवेश में मत आया कर, रूपा के माध्यम से प्रश्न मैंने पूछा था और वो प्रश्न मतलब छेड़खानी वाला प्रश्न था। वो मतलब मैं ऐसा ही कहूंगा तभी मैं बिगड़ गया कि हाउ कैन यू आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब यू नो एवरीथिंग एंड स्टिल यू आस्किंग मी दिस सिली क्वेश्चन। तो वो उन्होंने मुझे पूछा, उसके जरिए पूछ रहे थे मुझे, और फिर कहने लगे कि जब वो तुझे मस्ती में आके मेरे बारे में बातें कर करके खूब हंसाती है तो मैं ही हंसा रहा होता हूं बेटा, वो कैसे हंसाएगी तुझे इसका मैंने जिक्र किया है पहले कि इतना मतलब कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि पेट दुखने लगता था, आंखों से आंसू आने लगते थे, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि इसको क्या हो गया डॉक्टर रजनी को, क्योंकि इसकी तो सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसी नहीं है, ज्यादातर वो चुप रहती है, ये अपना पाठ करती रहती है कई बार मैंने उसको देखा भी लोगों के साथ में कन्वर्सेशन में, तो वो शी इज अ गुड लिसनर, वो सुनती रहेगी चुपचाप, बहुत कम बोलेगी। और इसको क्या हो जाता है कि ये बोलने बंद नहीं करती है, और मैं हंस के मतलब कहता हूं कि भाई रुक जाओ मेरा पेट दुखने में सांस नहीं आ रही है, तो इतना हंसाती है। तो उन्होंने रिकन्फर्म किया, अब यहां कंसर्न बिकॉज लाफ्टर इज एन अल्टीमेट टॉनिक, ये डिप्रेशन के लिए सबसे बढ़िया दवाई है, सेहत के लिए सबसे बढ़िया दवाई है और मुफ्त है। जो आदमी खुल के हंस सकता है उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, और जो खुल के हंस नहीं सकता उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। तो प्रभु जी मुझे हंसाते थे, कॉमेडी करते थे मतलब उनके जो पंचेज है वो इतने जबरदस्त है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। आगे जो सिचुएशन आएगी मैं उसमें अगर कोशिश करूंगा कि अगर मैं कुछ बयान कर सकूं, क्योंकि अब उन्होंने देखिए उन्होंने उसके माध्यम से मुझे हंसाया, तो अब हमारे पास तो नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर लेना, वो लिख के भेजा उन्होंने, ये तो इंस्टेंट एक्सटेम्पोर वहां घटता था और हंस हंस के बुरा हाल हो जाता था मेरा। तो जब उन्होंने लिख के भेजा कि वो कैसे हंसाएगी तुझे इतना मैं हंसाता हूं, तो मुझे यकीन आया कि वाकई मैं सोचता था कि भाई इसको क्या हो जाता है अचानक। जैसे जस्ट बाय द वे मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि जब हम लोगों ने अमृतसर जाना था तो डिटेक्टिव सिद्धू यहां आए दरबारी, तो उससे पहले कोई प्रभु जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ज्यादातर हमारी बात उनके बारे में होती थी, तो मुझे इतना हंसाया ये जैसे अब देखिए कहीं आएगा तो शायद मैं उसको रिपीट करूंगा, लेकिन इस कनेक्शन में ये याद आ गया। वो बात ये थी कि जैसे यहाँ लोग बहुत लिखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत लिखते हैं, लिख के भी भेजते हैं और रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं, और यहाँ भी लिखते हैं मेरे बारे में ये पूछ लीजिए प्रभु जी को, भगवान से आपकी सीधी बात है, गुरु नानक देव जी से आपकी सीधी बात है, मेरे बारे में ये अरदास कर दीजिए, मेरे बारे में ये पूछ लीजिएगा, मेरे बच्चे के बारे में पूछ लीजिएगा, कोरोना के बारे में पूछ लीजिएगा, फलाने के बारे में पूछ लीजिएगा, इसके बारे में नहीं आपको बताया, उसके बारे में नहीं बताया, मतलब ऐसे लोग बैठे हैं बस डाक दिया, ठीक है ज्यादा गंभीर भी नहीं है वो, बस पूछ लेने सवाल क्या लगता है, जैसे चमड़े की जबान है उसको हिलाना ही तो है। तो अभी हमारे हाथ में नहीं है, उनकी मौज है। तो जैसे हमारे अपने बहुत सारे काम थे, अगर ऐसा होता तो हम करवा ना लेते उनसे, हाँ मार्गदर्शन किया, बाकी संघर्ष तो हमको करना है, चलना तो हमको है, हमें मार्गदर्शन कर दिया, रास्ता दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, मेहनत तो हमको करनी, संघर्ष हमको करना, चलना हमको तब हमको करना है, शायद ये मित्रों की बात समझ में आएगी। तो यही बात डॉक्टर रजनी के माध्यम से वो मुझे सुना रहे थे। अच्छा तब तक उन्होंने ये नहीं बताया था मुझे कि मैं ही हंसाता हूं, तो मैं इतना हंसा, और उसमें जो मेन टॉपिक था वो ये था कि भाई तुम लोग सालों मुझे पुच्छों वाला बाबा बनाना चाहते हो, ये पुच्छों वाला बाबा पंजाबी लोग इसको समझते हैं कि पुछ लेन गए सी, मतलब ये जो बाबा लोग होते हैं तो पुछ निकल आती, मतलब उनसे पूछने जाते हैं तो आपको बता देते हैं कि हमारी भैंस क्यों नहीं दूध देती है, हमारा पड्डा क्यों मर गया, हमारे बच्चे को रोते रहते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम क्यों है,
इस तरह की जो छोटी छोटी दिक्कतें आती है, हमारी भैंस दूध क्यों नहीं देती है, तो वो जो गांव में या आसपास के गांव में कोई ओझा लोग होते हैं तो वो आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो उसको हमारे यहाँ आमतौर पर पंजाबी में पुछो वाला बोलते हैं बाबा, कि उसे बाबा से पूछ लेके आते हैं। तो वो इसके माध्यम से, मुझे नहीं मालूम था कि वो खुद ही बोल रहे थे, लेकिन वो जिस ढंग से बात कर रहे थे कि तुम लोग मुझे पूछो वाला बाबा बनने के चक्कर में हो कि ये पूछ दो वो पूछ दो, वो दरबारी कह रहा है ये पूछ दो, तुम ये भी पता कर लो ये भी पूछ लो। तो इस तरह की इस टॉपिक पे बातें कर करके उसने हंसा हंसा के मेरा बुरा हाल कर दिया और वही पेट दुख रहा है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो जब डिटेक्टिव सिद्धू यहां पहुंचे, यहां से हमने उनके साथ निकलना था, जब हमारा बाद वहां कांड हुआ आपस में तनाव पैदा हो गया, जब बाबा दीप सिंह जी के यहां मैंने मांग लिया कि अपना पैरा लगा दें तो आह्वान कर लिया तो आ गए, तो वहां तो फिर युद्ध के लिए तैयारी रहते हैं ना, जोश में रहते हैं। तो मैं उसको कहने लग गया कि भाई इसने मुझे इतना हंसाया अभी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। तो मैं उनसे कहने लगा कि अब जरा बताओ बताओ इनको, तो उसने बताना शुरू किया तो ना मुझे हंसी आई ना उसको हंसी, दरबारी को भी हंसी नहीं आई, डिटेक्टिव सिद्धू को। तो मैंने कहा कि पता नहीं भाई अभी ये शायद मूड में नहीं है, और इसने अब नहीं उस अभी तो इसने कमाल ही कर दिया तुम्हारे आने से पहले करीब 20-25 मिनट आधा घंटा इसने भाई मुझे इतना हंसाया इस टॉपिक पे बातें करके। तो अब ना तो उसकी समझ में आया, उसको लगा कि पता नहीं इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी कि जनरल बात कर रही थी वो। मैंने कहा नहीं वो कुछ अलग ही मामला था, वो जो पंचेस थे इसके, क्योंकि मैं राइटर हूं एक्टर हूं तो हम लोग स्टेज पे कॉमेडी भी करते रहे हैं तो हमें वो पंच का मालूम होता है, ह्यूमर का वो पता है हमको कि वो जो पंच है तो उसकी जो पंक्चुएशन है जो पंच है जो टाइमिंग है वो इतनी गजब की थी। तो वो तो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की थी, इनकी तो नहीं थी, लेकिन तब हमको नहीं मालूम था। लेकिन हमने इसको यहीं छोड़ दिया कि मतलब ऐसा ही कुछ होगा मूड में आके उसने मुझे या इसको इनके सामने डॉक्टर डिटेक्टिव सिद्धू के सामने कॉशियस हो गई होगी, या एक ही बात को जब दोबारा रिपीट करते हैं तो बात नहीं बनती, ऐसा सोच के हमने उसको छोड़ दिया और हम यहां से निकल गए। तो जब उन्होंने ये कहा कि तुझे मैं ही हंसाता हूं वो कैसे हंसाएगी, तो ये कंफर्म हुआ ईश्वर, ईश्वर की शक्तियां ईश्वर की एक्सटेंशंस वो आपके लिए ये काम भी कर देते हैं। जब आपसे प्यार करते हैं तो आपके साथ में जो आपने सामान खरीदना है वहां भी आके खड़े हो जाते हैं और अगर उनको लगे कि ये परेशान रहता है तो आपको हंसा भी देंगे, खूब हंसाते थे, तब हंसाया। और उसके बाद वहां जो कह रहे कि जो तुझे इतना जोर जोर से वो हंसाती है मैं हंसाता हूं। उसके बाद में मुझे आगे जो पैराग्राफ था उसमें था कि कार्य क्षेत्र, मेरे दफ्तर को वो कार्य क्षेत्र करके संबोधित करते थे, जो तेरा कार्य क्षेत्र है उसके वो लंबे लंबे वस्त्र भी बदल। अब क्योंकि हमने लुधियाना जाना था, उनको तो मालूम था कि इनको यहां नहीं मिलेगा, तो वहां ये कर्टन्स भी मिलते हैं उस शॉप पे जहां से हमने फर्नीचर वगैरह लेना था, कबर्ड वगैरह अलमारी वगैरह किचन के लिए। तो कहने वो भी बदल, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बहुत पहले कहा था कि उसको बदलना है, उसको भी बदल। और जो सफेद रंग के कुछ उन्होंने टिपिकल वर्ल्ड कुर्सियों के लिए इस्तेमाल किया था, प्लास्टिक की चेयर्स थी मेरे ऑफिस में व्हाइट कलर की, कोई समथिंग पत्र सफेद कलर के रंग के जो तेरे कार्य क्षेत्र में तेरे दफ्तर में जो रखी हुई हैं उन्हें अपने दफ्तर में मत रख। उनको तुम्हारे दफ्तर के साथ वाले जो वाहन वाला स्थान है, हमारा गैरेज है ये जहां मैं बैठा हूं, ये ऑफिस है कार्य क्षेत्र है मेरा, इसके साथ ही में गैरेज है जिसमें गाड़ी वगैरह हम लोग खड़ी करके जाते थे बॉम्बे, तो उसमें रख दे। यदि ज्यादा मनुष्य आ जाए तो उनको यहां रख लिया करना, वैसे उनको अपने दफ्तर में मत रख। तो हमने उठा के वो जो हमारा वाहन वाला स्थान यानी जो गैरेज है हमने वहां रख दिया। अब इसका कोई लिंक कोई रीजन कुछ होगा, क्योंकि जब वो कहते हैं तो वहां फिर किंतु परंतु सवाल जवाब दलील सब खत्म। मतलब जब मुझे तसल्ली करवा दी थी उन्होंने मेरी हर तरह से, तो फिर मैंने
किसी भी तरह का किंतु परंतु करना बंद कर दिया था। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन, बस यही करता था और फौरन कुर्सियां उठा के वहां रख दी उसकी। यहां के लिए फिर दूसरी कुर्सियां कुछ ले आया मैं, ब्लैक कलर की, डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर की। उसके बाद आगे लिखते हैं एक पैराग्राफ में कि ये जो तू पत्र निकालता रहता है मेरे उत्तरों के, यानी मैं जो प्रिंट आउट निकालता था, जितने भी उत्तरों ने भेजे मैंने स्क्रीनशॉट लिए उसके बाद में, उनको वो चित्र बोलते थे, तो ये पत्र निकालता था, प्रिंट आउट निकालता रहता था मैं जिसे तू अपनी गीता कहता है ना, जिसे तू अपनी गीता जी कहता है। अच्छा, मैं ये कहता था डॉक्टर रूपा से अक्सर, ये मेरे जीवन की गीता है। उनको भी मैंने लिखा था प्रभु जी को कि मेरे जीवन की गीता है, इससे मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ है। तो कहने लगे कि ये केवल तुम दो लोगों के लिए है, ईश्वर के तुम्हारे लिए संदेश और वार्तालाप। ये यदि तुम दूसरों को बताओगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये तेरी इच्छा है, क्योंकि मैं ये लिखता रहता था कि प्रभु जी क्या मैं इनके माध्यम से इस पे कोई फिल्म बना सकता हूं, यानी चित्र बना सकता हूं, मैं लोगों को प्रेरित करने के लिए इनका उपयोग कर सकता हूं, क्या मुझे आज्ञा है। तो ऐसा मैं, क्योंकि भी काफी गैप के बाद में आया था, तो उसमें वो मतलब जो मेरे प्रश्न होते थे उनका रेफरेंस दिए बगैर एक के बाद एक, एक के बाद एक उत्तर देते रहते थे। तो ये उसके रेफरेंस में था, कुछ चीजें एडिशनल भी लिख देते थे, लेकिन ये उसके रेफरेंस में था कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। तो उन्होंने ये लिखा कि कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यदि तुम लोगों को बताना चाहते हो तो बता सकते हो, यदि चित्र बनाकर या किसी अन्य तरीके से तुम संसार को प्रेरित करना चाहते हो तो उसकी आज्ञा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। मैं इसलिए कहता रहता हूं कि मेरा रोम रोम उस हरि का, उस नारायण का, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस गॉड का और गुरु पिता ओंकारा जी महाराज का ऋणी रहेगा सदैव के लिए। जब उन्होंने मुझे ये आशा दी तो गदगद हो गया मेरा मन, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे नहीं मालूम था। ये तो उन्होंने विधि बनवाई, ईश्वर ने विधि बनवाई और ये सिलसिला शुरू हुआ इस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं संसार का क्या हाल है, तो उसमें इस तरह से शुरू हो गया। अन्यथा मेरी इच्छा थी कि इसके ऊपर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज बनाते, लेकिन उसके लिए फंडिंग भी चाहिए होगी, पैसा भी चाहिए होगा, जो हमारे पास इस समय नहीं था, तो फिर यही तरीका है। तो कहने लगे कि ये तो उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी, एक तो ये कह दिया कि जल्दी की कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर तेरी इच्छा है तो करना चाहता तो आज्ञा है, लेकिन जो पत्र तूने निकाले हैं, यानी जो प्रिंट आउट तूने निकाले हैं, ये सिर्फ तुम दोनों के लिए है, इसे इन पत्रों को किसी और को दिखाने की आज्ञा नहीं है। यदि तुम दिखाओगे यानी आज्ञा नहीं मानोगे, ऐसा करोगे तो ये लुप्त हो जाएंगे। अब मैं इस बात को मानता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो दिखाना चाहता था, शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं। अब इसका क्या कारण है ईश्वर जानते हैं या प्रभु जी गुरु पिता ओंकार महाराज जी जानते हैं कि आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखाता, किसी को नहीं दिखाता। और मैं इसलिए मानता हूं कि लुप्त हो जाएंगे, ब्लैंक पेपर रह जाएंगे, क्योंकि उनका वचन है तो उनका कहना ही हो जाना है। जैसे उन्होंने जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे 400-500, उन्होंने कहा कि तूने आज्ञा नहीं ली, ये नहीं रहेंगे, और वो नहीं रहे, खत्म हो गए। और दोबारा तुझे आज्ञा देते हैं, अब ले। तो मैंने कहा था, मैं आज्ञा, धन्यवाद, माफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इस संसार में मुझे कुछ और लोग मिले, उनसे मैंने तारतम्य पैदा किया, जो ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं, जिनके पास शक्तियां हैं, तो और ये बातें रिकन्फर्म हुई। और जो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझसे कहा और जो शक्ति एक, वो भी मैं आपसे शुरू करूंगा आने वाले दिनों में। ये जब एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने जो दया करके, ईश्वर ने जो दया करके मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे उत्तर दिए, मुझे दिशा निर्देश दिया, उसके बाद के जो उन्होंने कहा, एक शक्ति आई थी परीलोक से,
उसमें एक नास्तिक आदमी था और एक आस्तिक था। आस्तिक ने इंटरव्यू नहीं दिया है लेकिन नास्तिक ने दे दिया है, तो लेकिन वो साथ में ही था जो सब कुछ अनुभव हुए। तो उन्होंने जो कहा था और जो प्रभु जी ने कहा बिल्कुल सेम मैच होता है, रिकन्फर्म हुआ वो। खैर, तो इस तरह से ये जो मुझे उन्होंने 6-7 पेज में दिया, तो मुझे अक्सर इस बात का, हालांकि लोग कहते हैं कि आप टाइम की चिंता मत किया करो, कुछ लोगों ने कहा कि एपिसोड आप कम से कम 30-40 मिनट का बनाया करें, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि इतनी कैपेसिटी सबकी नहीं होती है, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 30-40 मिनट का या 50 मिनट का एपिसोड देख सकें। 15-20 मिनट का टाइम ज़्यादा लोगों के पास होता है और 5-10 मिनट का तो सबके पास ही होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हमारा ये मकसद भी है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में बात हो जाएगी, लेकिन वो जो 40-50 मिनट देख के भयभीत होकर भाग जाते हैं और फिर पता नहीं विधि बनती नहीं बनती और कारोबार में काम धाम में लग गए, तो मुझे ये कहीं ना कहीं लालच रहता है कि उन तक भी पहुंचा जाए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा लंबा एपिसोड ना हो ताकि ज़्यादा लोग उसे देख सकें, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और महापुण्य कमा सकें किसी न किसी तरीके से। तो आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अपने अनुभव से और जो प्रभु जी ने मुझे गाइड किया, जो निर्देश मुझे उस मालिक के दरबार से आए, उनके आधार पर आपको भी उत्तर मिल रहे होंगे। आप भी समझ पा रहे होंगे जिनके घरों में क्लेश रहता है। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा, ये मैंने पहले कहीं जिक्र किया है कि चक्की दा पीसा रह जाता है, चक्की दा पीसा रह जाता है, दंदन दा पीसा नहीं रहता। यानी दांत किरकिटाते रहते हैं, लोग झगड़ा करते रहते हैं, अंटशंट बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, क्लेश रहता है, टेंशन रहती है, वहां कुछ नहीं रहता है, सब खत्म हो जाता है। कोशिश करें ऐसा तरीका ढूंढने की कि शांति आए। भाई कि कोई गलत है तो वो माफी मांग ले, आप गलत है आप माफी मांग ले और दूसरा का उसको माफ कर दो, कोई तरीका निकालो। क्योंकि इस स्थिति में, और वही आपका बड़प्पन होगा, आपकी समझदारी होगी, क्योंकि अगर सब अड़े रहे तो फिर सभी मूर्ख हैं, उनमें अकलमंद कोई नहीं है। तो शांति, किसी भी कीमत पे शांति, क्योंकि शांति है तो बरकत आएगी, शांति है तो ईश्वर का नाम जप पाओगे, लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी माँ आएंगी। लेकिन अगर शांति नहीं है, क्लेश है, टेंशन है, मारा मारी है, फिर उसके बाद निंदा चुगली भी होती है और उसी में इतने उलझे रहते हैं कि कौन जपेगा नाम, कौन लगाएगा ध्यान, टिकाओ ही नहीं है। मतलब हर वक्त आप तैश में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, कभी भी झगड़ा शुरू हो जाएगा, तू मैं शुरू हो जाएगी, फिर वो अंदर थॉट चलते रहते हैं, फिर उसकी योजना रहती है उसको नीचा दिखाने की, तो जब कब पाएंगे। तो आपको एहसास नहीं हुआ कि आपने वो जो सतही लेवल की लड़ाइयां हैं हमारे परिवारों में, उसकी वजह से आपने अमोलक वस्तु भी गवा दी। वो जो हीरा था, वो जो अमोलक ईश्वर का नाम हम जप सकते थे मेरे भाइयों के साथ में, मुझे ज्यादा नाराजगी इस बात की है। बाकी तो चलो ठीक है, संसार है कि यार मैं जप सकता था, और ज्यादा जप सकता था, तप कर सकता था, मैं वहां क्षेत्र में और महापुण्य कमा सकता था, सत्संग कर सकता था, पुण्यदान कर सकता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना उलझाया कि उसी भाग दौड़ में मैं ये भाग वहां भाग, ये वकील वहां, पुलिस स्टेशन वहां जाओ, वहां SSP वहां, DM वहां, SDM तहसीलदार, वो भाग दौड़ में मेरा टाइम खराब हुआ। ये कागज तैयार करो, वो कागज तैयार करो, इसकी नकल लाओ, उसकी नकल लाओ, ये तारीख वो तारीख, तो वो काम मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो जो अनमोल है ईश्वर का नाम, वो जो महापुण्य मैंने कमाना था, वो जो लोगों का भला होता उससे जो मुझे महापुण्य मिलता, वो सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन अब क्योंकि मामला इस हद तक पहुंच गया, तो चलिए अब अदालत को ही फैसला करने दो, ईश्वर की मर्जी। तो काट लिया, वो पोर्शन ही काट दिया, कनेक्शन ही काट दिया कि भाई ये जो दुनियावी तौर पे परेशानी हो तो अलग है, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हैं, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो क्या करें, काटो, कनेक्शन ही काटो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे तमाम इन अनुभवों को देख के वो समय जाया मत करें। अगर आप सुनते हैं, आपका धन्यवाद, आप अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो एक कौतूहलवश क्या बोलेगा, वो एक्टर था
और ये बताएगा, कुछ कह रहा है कि इसकी बात बात हुई भाई, वहां से इसको कुछ संदेश संदेश आते थे कुछ लिखित में आते थे, इसके फोन में आते थे। साला क्या बकवास है भाई, ऐसे लोग बातें करते हैं। मन बहुत ही असभ्य भाषा में भी लोगों ने लिखा, तो ठीक है उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये मजाक नहीं हो रहा है। आने वाले, देखिए आप जो लोग नहीं मान पा रहे हैं तो अपना समय जाया कर रहे हैं, आने वाले वक्त में एक एक प्रमाण के साथ में आप लोगों की तसल्ली होगी, तो फिर आपने टाइम तो जाया कर दिया ना, बिना वजह किंतु परंतु करने में, बिना वजह डिस्कशन करने में, बहस करने में, ऐसे कैसे वैसे कैसे, ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ईश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। जो साइंस के लिए पॉसिबल नहीं है, विज्ञान के लिए जो पॉसिबल नहीं है, वो ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु के लिए एक क्षण बात की बात है, क्षण भर की, चुटकी बजाने की बात है। तो जब इस एंगल से आप सोचेंगे तब आपको बात पकड़ में आने लग जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें अपने घर में शांति बहाल करें। पत्नी के साथ में मतभेद है, पति के साथ में मतभेद है, जैसा भी है भाई, जो जो कर्म कर रहा है उसको अपना हिसाब देना पड़ेगा। तो आप क्यों बिना वजह झगड़ा मोल लिए बैठे हो, करने दो, भोगेगा। अपना फर्ज निभा दो, बता दो, आगाह कर दो, समझा दो, उसके बाद छोड़ दो। बाय पीस एट एनी कॉस्ट, शांति खुशी किसी भी कीमत पर, ताकि फिर लक्ष्मी मां भी आए, बरकत भी आए, आप भी शांत रहें, बीमारियों से बचें, क्लेश से बचना किसी भी कीमत पे। बाय पीस। उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, अपना जीवन सार्थक करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम यहां से जीते जी मुक्त होके जाएं। अगर कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं तो मैं उनका ऋणी रहूंगा, उनका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार। धन गुरु पिता ओंकाराजी महाराज, धन गुरु पिता ओंकाराजी महाराज, धन गुरु पिता ओंकाराजी महाराज। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।